सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज वो दिन आ ही गया जिसकी इंतजार पूरा शहर पिछले कई महीनों से कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगर कौंसिल की, जिसको आज अपना प्रधान मिल ही गया। जैसे कि न्यूज 89 ने आपको कल बताया था कि नगर कौंसिल के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री का बनना तय है। लो, आज श्री नरेंद्र शास्त्री जी नगर कौंसिल के प्रधान की कुर्सी पर बैठ गए। अब आपको बता दें कि आज सुबह लगभग 10:30 बजे राजपुरा के नगर कौंसिल में पार्षदों की बैठक रखी गई थी, जिसमें 29 पार्षदों में से 28 पार्षद मौके पर मौजूद थे। वह दो विधायक जिनमें हल्का राजपुरा सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदनलाल जलालपुर को मिलाकर कांग्रेस पार्टी की 16 वोटे और अकाली दल भाजपा गठबंधन की एक पार्षद जो अकाली दल के सिमरनजीत सिंह बिल्ला के इस बैठक में गैर हाजिर होने पर अकाली भाजपा की कुल 14 वोटे जो मौके पर बैठक में मौजूद थी। इस सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधान पद का चुनाव होने से पहले SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार ने वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद का चुनाव जीतकर नगर कौंसिल पहुंचे श्री नरेंद्र शास्त्री को पार्षद पद की शपथ दिलवाई। आपको भी सुनाते हैं कैसे ली श्री नरेंद्र शास्त्री ने शपथ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ। अब बारी थी प्रधान पद के चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री जगदीश कुमार जग्गा ने श्री नरेंद्र शास्त्री का नाम प्रधानगी के लिए सामने रखा, जबकि अकाली दल भाजपा की ओर से जसबीर सिंह जस्सी ने भाजपा के पार्षद मनदीप सिंह राणा का नाम प्रधान पद के लिए रखा। इसके बाद सबसे पहले SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री के हक में पार्षदों को हाथ उठाने के लिए कहा, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक में 14 पार्षदों ने व दो विधायकों ने कुल 16 लोगों ने शास्त्री के हक में अपने हाथ खड़े कर दिए। अब बारी आई अकाली दल भाजपा की, उन्हें हाथ उठाने के लिए कहा गया तो मौके पर मौजूद 14 पार्षदों में से कुल 11 पार्षदों ने अपने हाथ उठाकर मनदीप सिंह राणा को अपना समर्थन दिया। इसके बाद SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार ने कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री को नगर कौंसिल का प्रधान ऐलानते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद क्या हुआ आपको बाद में बताएंगे, मगर यहाँ क्या हुआ कि मौके पर मौजूद अकाली भाजपा गठबंधन के 14 पार्षदों में से वो 3 पार्षद कौन हैं जिन्होंने मनदीप सिंह राणा को वोट नहीं दी और अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, इस बारे में हमने उक्त बैठक शुरू होने से पहले ही पंजाब भाजपा के प्रधान सरदार हरजीत सिंह गरेवाल से बात की थी, जो बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि हमें 15 वोटें तो पड़ेंगी ही, शायद और भी पड़ जाएं अगर आज कोई गद्दारी करेगा और उसे पार्टी किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी। आइए सुनाते हैं क्या कहा था बैठक शुरू होने से पहले सरदार हरजीत सिंह गरेवाल ने। इस बार साडियां 15 वोटां ने, 9 BJP ਕੋਲ ਨੇ, 6 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ 15 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। 15 ਦੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਆ, BJP ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 16 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 MLA ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਸਭ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਦੀਆਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਚੋਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 15 MCA ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, BJP 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇ 15 ਸਾਡੇ MC ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। तो आपने सुना कि
कि हरजीत सिंह गरेवाल क्या कह रहे हैं। अब देखना ये है कि उन तीन पार्षदों पर क्या कार्रवाई करती है पार्टी, जिन्होंने बैठक में होते हुए भी अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दी। अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही श्री नरेंद्र शास्त्री नगर कौंसिल के प्रधान बने, मौके पर ही मौजूद विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर सहित पीपीसीसी सदस्य निर्भय सिंह मिल्टी, श्री जगदीश कुमार जग्गा व उप प्रधान अमनदीप सिंह नागी ने हार पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इसके बाद हजारों की संख्या में नगर कौंसिल पहुंचे कांग्रेसी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सब खुशी से नाचने लगे। इस मौके पर जहां विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने प्रधान बनने पर श्री नरेंद्र शास्त्री को बधाई दी, वहीं नरेंद्र शास्त्री ने भी आने वाले समय में शहर का नक्शा बदलने की बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जानकारी है कि आज म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान की चोण से कांग्रेस पार्टी वालों साढ़े जे उम्मीदवार नरेंद्र शास्त्री जी जिन्हों का नाम अंदर मदन लाल जी जलालपुर MLA साहब ने जिन्हों का नाम रखा, साढ़े थोड़े थले 16 कौंसलर ने उदी जी मतलब कि उन्होंने सपोर्ट की है। जग्गा जी ने उन्होंने नाम सैकंड किया, तायद की अरजीत डीसी ने। सो 16 जोड़े साढ़े उम्मीदवार से साढ़े कौंसलर से उन्होंने इन्हों समर्थन दे के बनाया। तो दूजे पास मेरे ख्याल 14 बंदे हाजिर हुए थे, उन्होंने 11 तीन बंद ने हाथ नहीं खड़े किए, 11 बंद ने कोई दूजा उम्मीदवार से जोड़ा बनाया। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा 5 वोटां ते वध के शास्त्री जी नूं 16 पईआं, दूजे पासे 11 पईआं, ते जिहड़े प्रधान आ ओह चुणे गए। ते हुण किस तरह रहेगा जी अगे नगर कौंसल दा काम? जी बहुत वधिया तरीके दे नाल नगर कौंसल नूं चलावांगे। बहुत मेहनती है नरेंद्र शास्त्री होणी, मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि शहर का बहुत वड्डा विकास असीं कराणगे। अजय एक होर कहना चाह रहे हैं सिमरनजीत बिल्ले दा जी, जिहड़ा MCA जी, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਕਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ। इस मौके पर नगर कौंसल में नरेंद्र शास्त्री की खुशी में शरीक होने पहुंचा उनका परिवार भी काफी उत्साहित दिखा। मौके पर मौजूद न्यूज 89 की टीम ने श्री नरेंद्र शास्त्री जी की माता से बात की, आइए सुनाते हैं वो कैसे महसूस कर रही थी अपने पुत्र की तरक्की को। माता जी, शास्त्री जी थोड़े आशीर्वाद के नाल जिहड़ा है नगर कौंसल के प्रधान बन गए, जिस चीज का पूरा परिवार कई साल तो इंतजार कर रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ? ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੀਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਤ ਬਸ਼ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀਆ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? अभी तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हमारे थोड़ा बहुत जिसके दिल में कुछ था कोई भी अब मेल हो गया सारे का दिल से, सब कोई अच्छा। इसका आप धन्यवाद किसका करना चाहेंगे शास्त्री जी को प्रधान बनने के लिए? बबला का नमस्कार, मेरा बबला के मेरा भी नमस्कार है। ठीक है, उन्होंने उनको सेवा एक मौका दिया है हमसे। ठीक ठीक है। इस मौके पर यहां चुनाव करवाने वाले SDM राजपुरा श्री संजीव कुमार ने भी न्यूज 89 को विशेष तौर पर जानकारी देते हुए बताया। आज जड़ी नगर कौंसल च प्रधान पद का चुनाव हुआ है, सर उदी की कार्रवाई रही, किस तरह रही? मेनू मानजोग डिप्टी कमिश्नर पटियाला वालों कन्वीनर नियुक्त किया गया सी, एक मेंबर नु सौंह चुकाने लई ते नाल ही प्रधान जी दी चुनाव करवाई। पहला पौने 11 बजे मैं पहुंचा, ते सब तो पहला जी है नवे चुने मैंबर श्री नरेंद्र शास्त्री जी ने सहु चुकाएगी, तो उस उपरंत जी प्रधान की चोन लिए कार्रवाई आरंभ की गई। सर वोटा की कार्रवाई दसोगे जी की रही? हाँ, जो इलेक्शन है बाई शो ऑफ इन्हों कैंडीडेट डिकलेयर कर लिया गया, तो
एक पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट श्री नरेंद्र सस्ती डिक्लेयर किया हक के 16 बंद ने समेत शास्त्री हाथ खड़े किए। उस तो अलावा दूजा कैंडिडेट मनदीप सिंह दूसरी पार्टी वालों तो हक हक के 11 जिहड़े सी उन्होंने हाथ खड़ा किया। 16 वोटां हासिल करना श्री नरेंद्र सर कोई कोई पार्षद गैर हाजिर भी रहे एक पार्षद गैर सर कौन सी सिमरनजीत सिमरनजीत सिंह लगा सर उन्होंने 15 वोट 15 वोटा सी ना बाकी बंदे ने वोट नहीं पाई थी। किस तरह का इंतजाम कर सुरक्षा प्रबंधन लैके सारी तरफों हरेक चीज का पूरा प्रबंध किया कमी नहीं रौला पै सकता जो कोई इस तरह का कोई सारे तरफों प्रबंध किए हुए जो किसी वालों कोई यह कानून को अपने हाथ लिता जाता की कार्रवाई करूंगा कानूनी कार्रवाई होगी खिलाफ जो कोई यह काम करूंगा। ठीक है कितनी फोर्स लाई हुई आपने अब आपको बता दें कि आज जो राजनीति में देखने को मिला शायद कभी ना मिला हो कि पार्टी के पार्षद मौके पर बैठकर ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना डालें। यह तो पार्टी के साथ सीधे तौर पर गद्दारी है। चलो ये तो अब पार्टी के बड़े नेताओं ने देखना है कि उक्त पार्षदों पर क्या कार्रवाई की जाए। मगर यहाँ एक बात तो पक्की है कि श्री नरेंद्र शास्त्री के प्रधान बनने के बाद आज शहर में दिवाली जैसा माहौल है कि नगर कौंसिल को एक ईमानदार प्रधान मिल गया जिसकी उसे बरसों से इंतजार थी। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी दिनेश सचदेवा न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।